वेलकम टू करंट क्रंच हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर की एसेंशियल थर्ड लेक्चर है तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेक्निक्स ऑलरेडी हमने कुछ कवर कर लिए हैं पुराने वीडियोज में आज देखते हैं हमें क्या कवर करना है दिस इज केस स्टडी देखो केस स्टडी क्या होता है इट इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिंगल सोशल फिनोमिना जैसे आपने देखा होगा आप, के स्टडीज हुई है कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट करता है ठीक है तो ये एक सिंगल फिनोमिना है उस सिंगल फिनोमिना को इन डिटेल्ड अकाउंट स्टडी करना ठीक है ये केस स्टडी इसको केस स्टडी बोलते हैं फिर फर्दर इसके डिफरेंट टाइप से आप कौन सी केस स्टडी को यूज करते हो अपनी इसमें सोशोलॉजिकल रिसर्च में ये जो मेथड है इट कंसिडर्स ऑल रिलेटेड आस्पेक्ट्स लाइक एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ एन इवेंट इन ग्रेट डिटेल ठीक है तो इन डेप्थ एनालिसिस आपको देता है जो भी आप फिनमिना पढ़ रहे हो उसका आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा क्योंकि एंटीसीडेंट्स क्या हुआ जो इवेंट से पहले चीजें अकर हुई हैं जिनकी वजह से आगे फिर आपका इवेंट होता है और कॉन्सिक्वेंसिस इवेंट होने के बाद के क्या कॉन्सिक्वेंस हैं तो ये हर चीज को इन ग्रेट डेप्थ इन ग्रेट डिटेल कवर करता है एंड हेंस इट ऑफर्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट ठीक है सिंस दिस इज अ स्टडी ऑफ वन सिंगल इवेंट ये वन सिंगल फिनोमिना वन सिंगल इवेंट को कवर करता है इट लैक्स एक्सटर्नल वैलिडिटी देखो एक्सटर्नल वैलिडिटी लैक करने का क्या मीनिंग हुआ मैंने आपको बोला कि ये कवर करता है एक सिंगल इवेंट को एक सिंगल फिनोमेना को फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर मेडिसिन कवर कर रहे हो कि उसका इम्पैक्ट एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन पे क्या है फाइन तो आप अपनी स्टडी को जनरलाइज नहीं कर सकते हो दैट मीन्स आप बाकी ग्रुप ऑफ मेडिसिन उसमें नहीं लेके आ सकते हो क्योंकि ये एक सिंगल फिनोमिना डिस्क्राइब कर रहा है इसका मतलब होता है ये लैक करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी दैट मीन्स आप अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज करके बाकी पॉपुलेशन के लिए भी वो सेम फाइंडिंग्स यूज नहीं कर सकते हो रॉबर्ट के यो है इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे फाइव टाइप्स ऑफ स स्टडीज यहाँ पे डिटेल में नहीं दी गई है सिर्फ नाम बताया है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती इनके बारे में क्या होती है ये किन बताया था रॉबर्ट के इन हमें फाइव टाइप्स ऑफ केस स्टडीज दी थी देखो क्रिटिकल केस स्टडी क्या होता है जैसा कि आपको कीवर्ड से पता चल रहा होगा क्रिटिकल तो ये सारे जो भी चीजें हैं वो इसमें एनालाइज करेगा मतलब सरफेस लेवल पे जो इंफॉर्मेशन मिल रही है ये उसके अंदर जाने की बियॉन्ड द सरफेस लेवल कोशिश करेगा जाने की अंडरलाइंग पैटर्न्स क्या है लेटेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेज या लेटेंट फंक्शंस क्या है जो मैनिफेस्ट क्या होता है जो ये मर्टन का कॉन्सेप्ट था उन्होंने दिया था हमें आगे डिटेल में पढ़ना है कि जो आपको दिख रहा होगा लेटेंट होता है बाय प्रोडक्ट क्या है उसका जो आपको एक्चुअली दिख नहीं रहा है लेकिन उस चीज का कॉन्सिक्वेंस है ठीक है तो वो सारी चीजें देखने की कोशिश करेगा अन इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसिस किसी एक इवेंट के तो बेसिकली क्रिटिकली एनालाइज करेगा जैसे आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कोई आंसर uh, लिखो क्रिटिकल एनालिसिस तो उसमें यू डोंट हैव टू राइट दी ड्रॉबैक्स और क्रिटिकली आपको सारे एंगल्स जो है एनालाइज चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस वो एनालाइज करने की कोशिश करनी होती है तो ये आपका क्रिटिकल आ गया यूनिक के स्टडी आ गया जो यूनिक इवेंट्स को स्टडी करता है जैसे आपने देखा होगा हम सुनते हैं कभी न्यूज में कि ट्वेल्थ ईयर का कोई स्टूडेंट है वो हार्वर्ड ग्रेजुएट बन गया उसको डॉक्टरेट मिल गया ठीक है ऐसे कोई यूनिक इवेंट्स जो आकर हुए हों या कोई एक यूनिक नेचुरल रेयर डिजास्टर हो गया उस इवेंट uh, की केस स्टडी करना तो ऐसे यूनिक इवेंट्स को स्टडी करना रिविलेटरी केस स्टडी क्या होता है देखो रिविलेटरी क्या हुआ जैसे कोई चीज रिवील करना बेसिकली so इसमें आपको वो चीजें पता चलती हैं वो चीजें रिवील होती हैं जो पहले आपके लिए अनडिस्क्लोस्ड थी जो पहले आपको नहीं पता थी फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्टोरिकल इवेंट की केस स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो आपने उसको इतना इन डिटेल पढ़ा है तो जो इन्फॉर्मेशन पहले ओवरलुक की गई हो जो ओवरलुक की गई हो इन्फॉर्मेशन या जो इन्फॉर्मेशन पहले आपके लिए इनएक्सिबल थी अब वो आपके सामने आ गई है तो वो रेगुलेटरी केस स्टडी में होता है लॉन्गिट्यूडल एग्जांपल अगर आपको करियर पाथ देखना है ठीक है तो आप क्या कर रहे हो एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन को आप किंडर से एनालाइज कर रहे हो उनके केजी, केजी क्लास से आप उनके करियर ट्रेजेक्टरी की वो कहाँ कहाँ जा रही है फिर एडल्टुड एडल्टुड में आके वो क्या करियर पास चूज करते हैं ठीक है फिर फाइनली वो उनको क्या मिलता है जैसे आपको हमें पता होगा या हम सबके साथ ऐसा हुआ है के जी में हम बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है बड़े होते होते आगे आई एस ऑफिसर बनना है बन पाए कहीं नहीं बन पाए कोई टीचर बन गए कई स्टेट सिविल सर्विसेज में चले गए कहाँ पे सेटल हुए तो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे आपको इसमें आपकी स्टडी की जाएगी ठीक है एक आ, पर्टिकुलर इवेंट की या एक पर्टिकुलर ग्रुप की यह आपके लिए हो गया लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी रिप्रेजेंटेटिव केस स्टडी क्या होता है जो एक किसी चीज को रिप्रेजेंट करे फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ की एग्जाम्पल समझो तो ही आप उस चीज़ को समझ पाओगे एग्जाम्पल से ही चीज़ें क्लियर होती हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में भी देख सकते हो यूज़ कर सकते हो टीचर से पूछ सकते हो कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आ रहा है वो आपको एग्जाम्पल से समझाएं देखो अब रिप्रेजेंटेटिव के स्टडी क्या होता है जो किसी एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करे फॉर एग्जाम्पल आपको अर्बन एजुकेशन के बारे में पढ़ना है तो बेस्ट चीज़ क्या है आप अर्बन एरियाज़ में जाओगे और वहां के कुछ अर्बन स्कूल्स को स्टडी करोगे ठीक है तो इससे आपको क्या हुआ अर्बन स्कूल्स आपने चार पांच स्टडी कर लिए तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अर्बन एजुकेशन का क्या हाल है ठीक है तो उसके प्रोस्पेक्ट्स आप इससे देख सकते हो वो एक अर्बन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे कुछ अर्बन स्कूल जिनको आपको स्टडी करना होगा तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव के स्टडी टिम टेम ने अपनी सोशल रिसर्च इश्यूज मेथड्स एंड रिसर्च में कहा था केस स्टडी एम्फिस करते हैं कंटेक्चुअल नेचर ऑफ द सोशल लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी आपको काफी नेसेसरी है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करो उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ रहे हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखो क्या है अगर आप कॉन्टेक्सट देखोगे तो ही आपके पास वो हिडन चीजें भी आपको मिल जाएंगी जो पहले इंडिस जो पहले अनडिस्कलोज रही होंगी ठीक है तो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी आपको मिलती है के स्टडीज को स्टडी करने से और आपको हेल्प करती है केस स्टडीज किसी भी कॉन्टेक्स्ट uh, को अंडरस्टैंड करने में अब पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे राइट्स हो गए डिजास्टर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह काफी अप्रोप्रिएट होते हैं अगर आपको केस स्टडी मेथड यूज करना है हाउएवर इस मेथड की भी लिमिटेशन है इट हैज अ पोर स्कोप ऑफ जनरलाइजेशन ठीक है बस मैंने आपको पहले ही बोला एक्सटर्नल वैलिडिटी लैक करता है क्योंकि एक पर्टिकुलर इवेंट को स्टडी करे अगर आप किसी एक नेचुरल डिजास्टर को स्टडी कर रहे हो तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो बाकी नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ठीक है と यहाँ पे ये चीज आ गई या जनरलाइज नहीं कर सकते हो कंटेंट एनालिसिस नाम से पता चल रहा होगा आपके पास कोई कंटेंट है वो कैसे फॉर्म में हो सकता है बुक के फॉर्म में हो सकता है कोई लॉज है फाइन कोई डॉक्यूमेंट्स है आप उनको एनालाइज कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास मटेरियल प्रेजेंट है तो ये टेक्निक ऑफ रिसर्च जो है इसको इंटरप्रिटेटिव यूज करते हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे ये एनालिसिस है ऑफ द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन का बेसिक कंटेंट है ठीक है जो यूजन फॉर्मेट में होता है रिटर्न बुक्स जैसे हो गई

बुक्स वेबसाइट्स पेंटिंग इनको ये क्या करता है एनालाइज करता है ये डील करता है questions like who लाइक what, किसने क्या कहा किसको कहा कितना कहा किस असर के साथ कहा ये सारी चीजें डील करता है अब देखो सिमोटिक्स यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स में दिया हुआ है नितिन सांगवान सर की बुक की आप ये भी एक खूबी देखोगे जो boxes में information दी होती है कभी आपके डायरेक्टली मेन्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ठीक है ठीके? तो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बॉक्सेज वाले इन्फॉर्मेशन भी तो सिमोटिक्स डील करता है विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इन कम्युनिकेशन जैसे कंटेंट एनालिसिस एनालिसिस क्या करता है फोकस अपॉन दी टर्म्स और दी वर्ड्स यूज इन स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन ठीक है तो सिमोटिक क्या करेगा साइंस अंडरस्टैंड करेगा जैसे अगर आप किसी कम्युनिकेशन में बोर हो रहे हो तो आपके चेहरे पे वो एक सिग्नल सी आ जाएगी ना कि मतलब मैं बोर हो रहा हूँ इफ़ यू वांट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक और इफ आर इंटरेस्टेड इन सर्टन टॉपिक तो आपका जो मुंह है और आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या साइंस एंड जेस्टर्स है उससे जो सामने वाला गेट टू नो वॉट यू ट्राइंग टू से फाइन तो उसको हम सिमोटिक्स बोलते हैं जो टर्म है कंटेंट एनालिसिस जनरली अप्लाई टू एनालिसिस ऑफ दिसर्न कम्युनिकेशन स्पोकन भी हो सकती है बट इट इज जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए वो किस फॉर्मेट में हो सकते हैं फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन इसमें वो नहीं होता है इसमें जो रिटर्न कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको आप एनालाइज करते हो बट द सेम कैन बी अपलाई टू एनालिसिस ऑफ आंसर्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च ये टेक्निक जो है कंटेंट एनालिसिस की ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको एनालाइज करने हैं आंसर्स देखो सर्वे रिसर्च में कुछ क्लोज एंडेड और कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे ओपन एंडेड होंगे जिसके आंसर डिस्क्रिप्टिव होते हैं मीन्स आपको उनके आंसर्स डिटेल में लिखने होंगे अब आंसर लिखा ठीक है अब आपको क्या करना है उस आंसर को एनालाइज करना है तो अब आपके पास कौन सी मेथडोलॉजी आ गई कंटेंट एनालिसिस की अब आप उस कंटेंट को एनालाइज करोगे फाइन तो ये कहाँ पे आपको यूज हो सकता है ओपन एंडेड क्वेश्चन में सर्वे रिसर्च या क्वेश्चनर्स वगैरह में जो रिसर्चर्स दे क्रिएट क्रिएटिव सेट ऑफ प्रिसाइजली डिफाइंड कैटेगरीज एंड हाईलाइट टॉपिक अंडर स्टडी ठीक है अंडरस्टूड कॉमन चीज है ये This जो है प्रोड्यूस क्वान्टिटेटिव डेटा अब देखो आप रिटर्न कम्युनिकेशन को एनालाइज कर रहे हो तो आपके पास एक क्वानिटेटिव डेटा आ जाएगा कोई स्टेटिस्टिक्स आ जाएगा जिसको आप इजिली रिप्रेजेंट और प्रोसेस कर सकोगे अब आप सोचोगे मैम पर ये तो पॉजिटिविस्ट की बात आ गई लेकिन आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये टेक्निक कौन यूज करते हैं इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजिस्ट अब वो कैसे यूज करते हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि आप यूज कहाँ करते हो कंटेंट एनालिसिस को ठीक है टू मेक इन्फ्य अबाउट दीडे एंटीसीडेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन ठीक है जो भी आप एनालाइज कर रहे हो उस सारे कम्युनिकेशन का एंटिसिडेंट की क्या इवेंट अकर हुए हैं प्रायर टू दैट कम्युनिकेशन वो आपको पता चलेंगे कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट्स तो ये सारी चीजें कहाँ पॉइंट आउट करती हैं दैट मीन्स आपको कोई मीनिंग्स मोटिवस वगैरह कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको सब्जेक्टिव चीजों की तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजिस्ट जो है वो यही चीजें यूज करते हैं अगर ये सिर्फ पॉजिटिव यूज करते होते तो ये चीज़ यहां तक सीमित रह जाती कि स्टैटिस्टिकली आप प्रोसेस कर रहे हो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो नहीं आप जिस तरीके से आप डेटा को एनालाइज इस कंटेंट को यूज कर रहे हो वो यूज़ आपको बोलता है कि हेल्पफुल रहता है इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजिस्ट के लिए भी ठीक है हाउ एव जो कंटेंट एनालिस समटाइम्स क्रिटिसाइज इन्वॉल्विंग सब्जेक्टिव जजमेंट्स ये जहां भी इंटरप्रिटेटिव है वहां पर सब्जेक्टिव जजमेंट्स का एक लिमिटेशन रहेगा ही रहेगा विच मे क्रिएट डेटा दैट आर क्वान्टिफाइबल लेकिन वैलिड नहीं फाइन फर्दर आउटपुट ऑफ कंटेंट एनालिसिस एज गुड एज द क्वालिटी ऑफ द इनपुट डॉक्यूमेंट्स वही बात हुई ना आप जिसको एनालाइज कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट डौ, जो है वो कितना ऑथेंटिकेटेड कितना वैलिड uh, है वो डे uh, डॉक्यूमेंट उस पर बेस उस पर भी बेस करता है ना कि आपकी जो फाइंडिंग्स है रिजल्ट है वो कितनी वैलिड होंगी तो ये भी इसका एक नेगेटिव आ जाता है और लेटेंट मीनिंग्स आपको नहीं पता चलेंगे पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेटेंट और मैनिफेस्ट कहा हमें आगे डिटेल में पढ़ना है लेटेंट मैनिफेस्ट ये आके मर्टन जो थिंकर है उनका कॉन्सेप्ट है Manifest होता है देखो अगर मैं आपको सिंपल घर की एग्जांपल बताऊं आप किसी से गुस्सा हो ठीक है तो आप रूम से निकलते टाइम क्या करोगे आप डोर बैंग करते हो करना नहीं चाहिए लेकिन एक बेसिक चीज है जो हम सब ने अपने अपने किसी टाइम पे टीनेजर में जब हम टीनेजर थे या अभी भी अपने गुस्सा जो ऐसे जाहिर करते हैं हम डोर बैन करते हैं तो मैनिफेस्ट क्या हुआ दरवाजा पटका हमने इतना ये लेकिन लेटेंट उसके पीछे क्या जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है कि हम काफी ज्यादा नाराज़ हैं हम अपनी नाराजगी वैसे जता रहे हैं हमारे कल्चर में जरूरी नहीं बाकी कल्चर्स में ऐसा हो यहाँ पे डोर बैंग करना ये है एक रिप्रेजेंट uh, करता है कि मैं गुस्सा हूँ ठीक है तो वो डोर बैंग करना जो वो जो गुस्सा है वो लेटेंट चीज़ है जो विजिबल नहीं है मैनिफेस्ट किया है डोर बैंग किया गया ठीक है तो अगर आप किसी कंटेंट को एनालाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बस एक मैनिफेस्टेड चीज़ पता चलेगी लेकिन आपको जो लेटेंट मीनिंग्स है वो समझ में नहीं आएंगे वो इसमें इग्नोर किए जाते हैं ये हो गया आपका कंटेंट एनालिसिस सो लेट्स मूव फॉरवर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स देखो मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास अचानक से कोई पिक्चर आ जाती है या कहीं पे किसी वेबसाइट पे ऐसा होता है या एड्स भी ऐसे बने होते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है उसके बीच में एक चेहरा छुपा हुआ है ठीक है वो इससे अच्छा बना हुआ होता है तो आपको बोलते हैं कि आपको कौन सी चीज पहले नजर आ रही है जो चीज आप पहले देखोगे ईदर इट्स अ ट्री और अ फेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और अ टाइगर हिडन देयर इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर ठीक है आपको क्या पहले दिख रहा है आपको यहाँ पे बुक दिख रही है कि आपको यहाँ पे कैट दिख रही है फाइन ऐसे बहुत सारे इमेजेस जो है हमने देखे होंगे नेट पे अक्सर ऐसी चीजें देखते हैं वो क्या पता फिर उससे क्या आपको पता चलता है जो चीज आपको अगर आपको कैट दिख रही है तो आपका एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर है अगर आपको बुक दिख रही है तो आपका एक पर्टिकुलर टाइप का कैरेक्टर है ठीक है तो इससे क्या चीज रिवील होती है आपका कैरेक्टर तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ठीक है सिंपल यही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है पीपल आर अन अवेयर ऑफ वट इज बींग मेजर्ड या तो उनको नहीं पता होता है एथिकल प्रॉब्लम आती है उनको नहीं पता होता है कि क्या मेजर हो रहा है और दे आर अनएबल कॉन्शियसली टू इफेक्ट वॉट इज बींग मेजर ठीक है अब देखो इसका क्या मीनिंग हुआ सोशल डिजायरेबिलिटी होती है कुछ दैट मीन्स आप वही बोलोगे अपनी रिसर्च में जो आपको पता है कि सामने वाला सुनना चाहेगा जो आपको एक अच्छा इंसान प्रेजेंट करेगा अंदर से चाहे आप मेल शॉवेनिस्टिक टाइप हो लेकिन आप फेमनिज्म की बातें करो क्योंकि आपको पता है कि हाँ आज यही बात बोलूँगा तो ही मेरा जो कैरेक्टर है वो अच्छा दिखेगा ये प्रॉब्लम आ जाती है या लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको स्टडी किया जा रहा है तो एथिकल इश्यूज आ जाते हैं ठीक है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बाकी सारी रिसर्चेस में मिलती हैं इसीलिए प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या किया जाता है वो आपको कैसे आपके कैरेक्टर को मेजर करता है आपको एक एम्बिगुअस पिक्चर अनक्लियर इनकम्प्लीट स्टमुलस चाहे वो पिक्चर या वर्ड से वो प्रोवाइड किया जाता है और आप जो उसको इंटरप्रेट करोगे फ्रॉम द पर्सन एंड पर्सन एटीट्यूड इज इन्फर्ड फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एम्बिगुअस और द इनकम्प्लीट स्ट्यूमुलस जो आपको इन्फॉर्मेशन इन्फर करोगे वहां से वो आपका कैरेक्टर रिवील करेगी इन शॉर्ट इसका बस यही मीनिंग है इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है दिस टेक्निक इज मोर कॉमनली यूज इन सोशो साइकोलॉजिकल स्टडीज क्योंकि इंडिविजुअल परसेप्शन बेस्ड एटीट्यूड यहाँ पे स्टडी किए जाते हैं एक इंक ब्लॉट टेस्ट है यहाँ पे एम्बिगुअस फिगर्स जैसे एक इंक ब्लॉट हो गई इंक फैंक को पेपर पे तो वो इंक ब्लॉट जैसा बन जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे तो एक बैट दिख रहा है किसी को बटरफ्लाई दिख रही होगी ठीक है किसी को ये पता नहीं क्या दिख रहा होगा तो किसी को ये कोई विच जैसे दिख रहा होगा ठीक है तो वो अकॉर्डिंगली क्या बोलेगा आपका कैरेक्टर कैसा है या तो आपको कोई पिक्चर दिखाई जाएगी या तो कोई बोला जाएगा कि किसी आपको टास्क दिया जाएगा ड्रॉ करने के लिए ठीक है किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को तो आपके मेंटल इंटरपर्सनल साइकोलॉजिकल फंक्शन वैसे ऐसे की जाती है ये टेस्ट एडोल्सेंट्स और चिल्ड्रन को इवेल्युएट किया जाता है फॉर वराइटी ऑफ पर्पज हाउवर इसका क्रिटिसिजम है दे लैक ऑब्जेक्टिविटी हो सकता है अभी मैंने बैट बोला दो मिनट के बाद देखो मैं सोचूं कि नहीं ये तो बटरफ्लाई है मुझे बटरफ्लाई दिख रही है अब तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी की काफी प्रॉब्लम रहती है

रिसर्च मेथड में यूज करते हैं सोशोलॉजी में वो इंटरव्यू करेंगे तो उससे उनको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो रिसर्चर जो रिसर्च जो आपका इंटरव्यूअर है एक आपका जो इंटरव्यू करेगा और आपका इंटरव्यू भी है जिसको इंटरव्यू किया जाएगा तो इंटरव्यू के बारे में आपको काफी रिसर्च मिलेगी तो इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं रिसर्च इंटरव्यू मेथड में एक स्ट्रक्चर्ड होगा एक अनस्ट्रक्चर्ड होगा पहले मैं आपको बेसिक बता दूं क्या है फिर हम बुक से पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड होगा आपको प्री डिटर्मिन क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स गिवन होंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सिलेक्ट करने हैं ठीक है अनस्ट्रक्चर्ड होगा जो ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन होंगे कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है जब फिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो कि आपको ये चीज कैसी लग रही है ठीक है ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा तो उसके बीच में से कोई दूसरा क्वेश्चन निकल आया वो आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होगा जब प्री डिटर्मिंट चीजें नहीं होती हैं ठीक तो वाइडली यूज रिसर्च मेथड है सोशियोलॉजी में इंटरव्यू जो है इट इज बेसिकली अ गाइडेड कॉन्वर्जेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पॉन्डेंट ये टेक्निक है इन विच देयर इज अ वन टू वन इंटरैक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द रिसर्चर इट मे हैपन इन वेरियस फॉर्म्स एंड टाइप्स लाइक फेस टू फेस टेलीफोनिक ग्रुप इंटरव्यूज हो सकते हैं

एंड दिस इज ये एलिसट करता है इोक करता है एटिट्यूड एंड ओपिनियंस आपको पता चलती है तो ये कौन यूज करेगा जो आपके इंटरप्रिटेटिव है ठीक ये स्टैंडर्डाइज करता है इंटरव्यू को एज मच एज पॉसिबल ठीक है ये स्टैंडर्ड बनाता है एक स्ट्रक्चर जो हर कोई यूज कर सकता है सेम फ्रेमवर्क में ये आपको रिलायेबल इंफॉर्मेशन देगा और ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन सिंपल इन द सेंस की प्री डिटर्मिन सेट ऑफ क्वेश्चन है आप सबसे वही पूछोगे सबको ऑप्शन दोगे तो आपको एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ पे क्या है यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसपे काफी डिपेंडेंट रहेगा ये कि वो जो बात बोल रहा है वो जो बोल रहा है वो कौन बाद में वेरीफाई करे वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें रहेंगी दे आर यूजफुल इन सिचुएशन जो डिमांड करती है न्यू इन्फॉर्मेशन टू डील विद न्यू प्रॉब्लम विच अराइज एज द इंटरव्यू प्रोसीड्स ठीक है इन चीजों में ये यूज होगा स्ट्रक्चर इंटरव्यू ऑल्सो फेसिलिटेट्स ईजी कम्पेरिजन ऑफ रिस्पॉन्स बिटवीन द रेस्पॉन्डेंट्स तो आप कंपेरिजन जो है वो ईजीली कर सकोगे क्योंकि एक क्वान्टिटेटिव डेटा काइंड आपको मिलेगा ठीक है इसका एडवांटेज है कि एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी है जो एम्बिगुईटीज होंगी क्वेश्चन एंड आंसर्स में वो क्लियर कर सकते हो क्योंकि आप दोनों आपस में क्या कर रहे हो ये एक डायलॉग होगा वन ऑन वन कम्युनिकेशन होगा तो एम्बिगुईटीज जो है प्रोसेस में क्लियर हो सकती है चीफ एडवांटेज है कि जो इंटरव्यूज हैं वो जनरल में मोर फ्लेक्सीबल है देन अदर टूल्स लाइक क्वेश्चन क्वेश्चन एयर से देखो ये आपका इंटरव्यू मेथड है ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है किसे क्वेश्चन से ठीक है ये याद रख लेना अगर फ्लेक्सिबिलिटी टाइम कंजम्पशन क्वालिटी ऑफ इफॉर्मेशन के को देखा जाए तो दे लाइ बिटवीन क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से ज्यादा सैम्पल कवर करते हैं सैम्पल के चीज में भी ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से आगे हैं वाइल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की मिलती है सिर्फ ये एलिसिट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिगार्डिंग पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो क्योंकि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या करता है जो करंट चीज़ है वो देख रहा है करंट एक्टिविटी देख रहा है उसके पीछे क्या चीजें हैं वो उसको नहीं पता चलती है लेकिन ये जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछ रहा है सवाल तो वो आपसे आपके पास्ट के बारे में भी पूछ सकता है फ्यूचर के बारे में भी पूछ सकता है ठीक है हाँ वे और जो इंटरव्यूज है अब उनमें भी काफी लिमिटेशन है इंटरव्यूअर बायस ठीक है फॉर जम अगर ब्लैक इंटरव्यू कर रहा है वाइट्स को या वाइट इंटरव्यू कर रहा है वाइट्स को या ब्लैक इंटरव्यू कर रहा है ब्लैक्स को तो एक बायस उनमें रहेगा ठीक है या अगर कोई फेमिनिस्ट uh, है वो इंटरव्यू करिए फीमेल्स को या ठीक है कोई एंटी फेमिनिस्ट है वो इंटरव्यू कर रहा है फीमेल्स को तो ये एक इंटरव्यूअर जो है उसके अंदर का बायस भी रहेगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की तरह वैलिडिटी रिलायबिलिटी मैंने एक्सप्लेन किया है पहले उसमें इसकी प्रॉब्लम रहती है स्टेटस डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यूअर एंड रिस्पॉन्डेंट ग्रेटली इफेक्ट्स द डिग्री टू विच अ रिस्पोंडेंट ओपन स्टेटस डिफरेंस की भी बात आ जाती है कि अगर आप सेम चीजें एक जो मिडिल क्लास है मिडिल क्लास का इंटरव्यू कर रहा है तो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट मिलेंगे हाई क्लास जो है वो सो और लो क्लास का इंटरव्यू कर रहा है तो डिफरेंट टाइप के रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन इज सोशल डिजायरेबिलिटी बायस हर किसी को चाहिए कि उसकी अच्छी इमेज रहे तो वो, वो ही आंसर्स देगा आप देखो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस आप ऐसे भी समझ सकोगे एथिक्स पेपर में अगर यूपीएससी का कोई टॉप कर रहा है डजेंट मीन कि वो अपने जॉब में एथिकल रहेगा ठीक है तो क्योंकि आपको वही बोलना है जो आपको पता है वो आप वही आंसर लिखोगे जो आपको पता है सामने वाले है, जिससे आपको ज्यादा स्कोर देगा ये एक सोशल डिजायरेबिलिटी बायस होता है तो ये इन चीजों में रहता है रेस्पोंडेंट्स ऑफन मेक आंसर्स विच दे थिंक विल प्रेजेंट देयर बेस्ट इमेज ठीक है फिर वो एक्चुअली में वैसे होए ना हो वो बाद में पता चलता है देयर आर आल्सो दे आर आल्सो नैरो इन देयर स्कोप एज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ रेस्पॉन्डेंट कैन बी इंटरव्यूड फाइन इजी टू अंडरस्टैंड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो लिमिटेड लैंग्वेज इज अनदर बैरियर क्या मेरी लैंग्वेज समझ रही हो कि नहीं मेरा डायलेक्ट एक्सेंट तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है और लैंग्वेज जो है वो आपका मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन है लैंग्वेज तो बैरियर बड़ा इशू रहता है इंटरव्यू मेथड में इसको काउंटर करने के लिए वन शुड रिमेन नॉन डायरेक्टिव ज्यादा डायरेक्ट नहीं करो ज्यादा बातें नहीं करो मतलब और uh, अपने जो आपका कॉन्वर्जेशन है उसको लीड करने की कोशिश नहीं करो आप जिसको इंटरव्यू कर रहे हो उसको बोलने की उसको बोलने दो कि उसको क्या बोलना है रेफरेन फ्रॉम डोलिंग आउट ओपिनियंस अपनी जजमेंट्स अपनी एक्सप्रेशंस ऑफ अप्रूवल डिसअप्रूवल वो अपने पास रखो क्योंकि वो आपके रिसर्च को इम्पैक्ट करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और भी कुछ मेथड्स बचे हुए हैं कुछ टेक्निक्स और डेटा कलेक्शन और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी सो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक हैव अ ग्रेट एंड डू 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइक दिस वीडियो डिसलाइक इट अगर आपको पसंद नहीं आया एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन की आपको क्या पसंद नहीं आया ठीक है तो टिल द टाइम अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाई है ग्रेट डे